हेलो, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन इस तरह से लिया है जिसमें सारे आरओसी के लिए हमें एक्स एन फाइंड करना है। एग्जाम में तो ज़्यादातर पार्टिकुलर आरओसी के लिए देगा वो, लेकिन मैं यहाँ पर सारे केस बताऊँगा ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो जब भी इनवर्स निकालना जेड ट्रांसफॉर्म में, सबसे पहले क्या करते हैं, जो एक्स ऑफ जेड दे रखा है वहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ जेड से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला काम जो रहेगा इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए, जेड से डिवाइड करना रहेगा दोनों तरफ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, जेड से डिवाइड। तो अब जेड से मैं इसको डिवाइड किया, ये कितना हो गया, उधर तो कैंसिल हो जाएगा जेड। सबसे पहला काम यही करना, तो इस जेड से तो ये जेड कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा, फाइव अपॉन जेड माइनस टू जेड माइनस थ्री। ठीक, जब भी दोबारा से मैं बताता हूँ, जब भी इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, कब, जब उसमें नीचे डिनोमेटर में फैक्टर्स की फॉर्म में हो वो, तब क्या करते हैं, जेड से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ। इसका रीज़न मैं बताऊँगा क्यों करते हैं बाद में, अपने आप समझ आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, अब क्या करना है, ये जो पार्ट है राइट साइड वाला, इसमें लगाएंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन सभी को आता है, फाइव अपॉन जेड माइनस टू जेड माइनस थ्री। कैसे लगाएंगे इसको, यहाँ पे दो फैक्टर है लीनियर, वो भी ए अपॉन जेड माइनस टू बी अपॉन जेड माइनस थ्री। एलसीएम ले लो दूसरी तरफ, जो एलसीएम होता है तो उन तरफ कैंसिल कर देता है डिनोमीटर्स को, बस जेड माइनस टू जेड माइनस थ्री। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ए के साथ क्या कौन सा फैक्टर आ जाएगा, जेड माइनस थ्री, बी के साथ जेड माइनस टू। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, जेड माइनस टू जेड माइनस थ्री। डिनोमीटर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमीटर को कर दो कैंसिल, जो हमारे टर्म बचे उनको लिख लो, यहाँ पे जो टर्म बचे मैं उसको राइट साइड में लिख देता हूँ, और यहीं पे हम ए बी सी जो ए और बी हैं इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे क्या क्या बचे, फाइव इक्वल्स टू ए जेड माइनस थ्री बी जेड माइनस टू। अब यहाँ पे देखो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जेड की वैल्यू क्या रखनी है, हमेशा वही वैल्यू रखा करो जो उसके डिनोमीटर को जीरो करने के बाद मिलती है। तो इसका डिनोमीटर ओरिजिनली ये था जेड माइनस टू जेड माइनस थ्री, इसको जीरो के इक्वल पुट करो, यहाँ से वैल्यू क्या क्या आएंगी जेड की, टू और थ्री। तो वही रखनी है एक एक करके, तो दो और तीन आएंगे इसको जीरो पुट करने के बाद। तो पहले क्या करेंगे, पुट जेड इक्वल्स टू टू, जब जेड इक्वल्स टू टू लगाऊंगा तो बी वाला पार्ट गया, तो ए वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ से। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, माइनस फाइव। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक बार टू रख दिया एक बार थ्री रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, फाइव इक्वल्स टू, ए वाला पार्ट जीरो हो जाएगा इस बार, बी थ्री माइनस टू, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव आ गई। जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था ये हमने माना था, तो ये कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ लगा दो बी की यहाँ लगा दो, ये किसके बराबर है, एक्स ऑफ जेड के, ये एक्स ऑफ जेड था, एक्स ऑफ जेड अपॉन जेड के सॉरी। तो यहाँ पे ये हमारा जो फंक्शन आ गया, एक्स ऑफ वन जेड अपॉन जेड, ए की वैल्यू कितनी आई है, माइनस पाँच, लेकिन ए के साथ क्या था, माइनस पाँच अपॉन जेड माइनस टू। बी की वैल्यू कितनी आई है, पाँच, ये कितना था, जेड माइन सॉरी बी की कितनी है, फाइव, ये कितना आ गया, जेड माइनस थ्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बात पहुँची। अब क्या करेंगे, जेड की मल्टीप्लाई कर दो इधर, जेड इधर जाके क्या बन जाएगा, इसको अलग करके लिख लो बस, जेड अपॉन जेड माइनस टू, ये किसी का जेड ट्रांसफॉर्म होता है, अब याद आ रही होगी कहानी, फाइव जेड अपॉन जेड माइनस थ्री। अब देखो यहाँ से इसके पोल क्या क्या होंगे, टू और थ्री, इसके पोल क्या क्या होंगे,
पोल क्या क्या होंगे इसके, 2 और 3, कैसे पता लगाते हैं, डिनोमिनेटर को 0 पुट करके। अब क्या करेंगे, मैं सारे आरओसी को दिखाने की कोशिश करता हूँ और उन्हीं सभी के लिए क्या करेंगे फिर, जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो क्या क्या, एक जेड इक्वल्स टू 2 पर है, एक है जेड इक्वल्स टू 3 पर। तो जब जेड इक्वल्स टू 2 पर है तो वहां पर सर्किल खींच दो। सर्किल हमेशा इसमें जेड ट्रांसफॉर्म में सेंटर्ड होता है ओरिजिन पे, ठीक है, सर्किल को देख लेना। तो जेड इक्वल्स टू 3 वाले पार्ट पे भी मैंने बना दिया सर्किल, ठीक। मैं एक काम और कर देता हूँ, जेड इक्वल्स टू 1 वाला भी बना लूँ क्या, उससे क्या हो जाएगा, हम साथ के साथ उसकी कोजेबिलिटी और स्टेबिलिटी भी डिफाइन कर देंगे। मैं बना देता हूँ एक जेड इक्वल्स टू 1, लेकिन जेड इक्वल्स टू 1 पोल नहीं है, बस केवल उसको ऐसे ही बनाना। जब पोल बना होता है ना, वहाँ पर क्रॉस लगाते हैं जीरोस के लिए, क्या करते हैं सर्किल बनाते हैं छोटा सा, ये मैंने बना लिया। अब देखो आगे क्या करेंगे, हमारे पास कितने पॉसिबल आरओसी हैं ये देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या क्या पॉसिबल आरओसी होंगे हमारे, एक तो सबसे पहला आरओसी, मैं सबसे पहले ये ट्रिक बताऊं, जितने पोल होते हैं उससे एक ज़्यादा आरओसी रीजन बनते हैं। पोल मत पोल भी कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग। यहाँ पे 2 और 3 अलग अलग है, तो रीजन कितने होने वाले हैं, 3। देखो 3 कौन कौन से होंगे मैं बताता हूँ। एक तो पहला, जब जेड की वैल्यू 3 से बड़ी है, जब जेड की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, एक रीजन तो वो बन गया। देखो यहाँ पे मैं आरओसी लिख रहा हूँ, यहाँ पे कौन कौन से पॉसिबल हैं। एक तो जब मोड जेड ग्रेटर देन 3, सेकंड इन दोनों के बीच में, 2 और 3 के बीच में भी तो बन सकता है। आरओसी में कभी भी कोई पोल नहीं आता है, तो वो सारे रीजन जहाँ पे पोल नहीं बने उसी को आरओसी कहते हैं। तो एक इन दोनों के बीच में, यानी जब जेड की वैल्यू 2 से तो बड़ी है लेकिन किससे छोटी है, 3 से छोटी है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक 2 से छोटी, ये 1 वाला तो मैंने केवल स्टेबिलिटी और सॉरी स्टेबिलिटी के लिए बस बनाया हुआ है। 1 के हिसाब से तो हम स्टेबिलिटी बताते हैं, साथ के साथ उसकी स्टेबिलिटी और कोजिलिटी भी बताते चले जाएंगे हर क्वेश्चन में करना, ताकि आदत बन जाए। नेक्स्ट आरओसी क्या बन जाएगा, जो 2 से अंदर की तरफ है, ठीक है। देखो 3 ही मैंने कहा था, 3 ही रीजन बने, इसके अलावा कोई और रीजन तो होगा नहीं। तो हमारा तीसरा रीजन भी आ चुका, जब मोड जेड किस छोटा है, 2 से छोटा है, ठीक है। तो तीनों आरओसी के लिए क्या करना, अब जेड इनवर्स जेड लिख देना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स ऑफ जेड और उसके करेस्पॉन्डिंग आरओसी, व्हेन मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 2 पोल थे, एक 2 एक 3, इस बार आरओसी जो क्या सबसे बड़े पोल के बाहर की तरफ है। तो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ऐसा होता तो हमारा सिग्नल कैसा हो जाता, कोजल। हम स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता सकते अभी, कोजल हो गया। अब देखना है साथ में ये यूनिट सर्किल आ रहा क्या इस वाले आरओसी के लिए, मोड जेड ग्रेटर देन 3 के लिए। अगर आ रहा है तो देखते हैं, यहाँ पर रह गया ये यूनिट सर्किल और आरओसी 3 से बाहर है काफ़ी, तो ये यूनिट सर्किल इस वाले आरओसी में तो नहीं आ रहा, तो ये इसका मतलब कैसा सिस्टम होगा, कोजल एंड अनस्टेबल। ये चीज़ है हमेशा लिखने की आदत डालो। अब देखो बस लिख दो, इसके लिए इनवर्स लिखना बहुत आसान है। एक्स ऑफ जेड हमारा क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स ऑफ जेड जो है हमारा वो कितना है, -5 अपॉन जेड -2, 5 जेड अपॉन जेड -3। तो फॉर्मूले पता है, एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, अभी सारे फॉर्मूले लिखता चलूँगा। ए की पावर एन, यू एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है वो कितना होता है, जेड अपॉन जेड -a, ये होता है।
और यहाँ पे क्या आता है, मोर जेड ए से ग्रेटर देन, ये होता है, ये कोजल बनेगा जब भी ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, इसका मतलब वो कोजल है, ठीक है। जेड की तरफ ग्रेटर देन का साइन है तो वो कोजल है, अगर लेस देन का है तो एंटी कोजल है, ये ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ग्रेटर देन का मतलब कोजल है, ठीक। तो बस लिख दो इस वाले, इसमें अगर एक ही जगह टू लगा दूंगा तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो मेरा एक्स ऑफ एन कितना आ जाएगा पहले केस के लिए, -5 टू की पावर एन यू ऑफ एन, इस वाले के लिए कितना बन जाएगा, 5 3 की पावर एन यू एन। देखो यहाँ पे यू एन है तो इसीलिए कॉजल है, स्टेबल अनस्टेबल है क्योंकि जेड का सॉरी एन का इनफाइनाइट लगाऊंगा तो दोनों इनफाइनाइट बन जाएंगे, 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, 3 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। सेकेंड केस, जब जेड की वैल्यू 2 से तो बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है। सेकेंड केस क्या कहता है, जब जेड की वैल्यू 2 से तो बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है। देखो 2 से बड़ी की तरफ है यानी 2 वाला जो सर्किल होगा वो कोजल, 3 से छोटा है तो एंटी कोजल, ये मैं वैसे बता सकता हूँ, ठीक है। अगर वहां से आरओसी देख के समझ नहीं आ रहा तो एक टू से बाहर की तरफ, 3 से अंदर की तरफ, जब बाहर की तरफ होता है उस पोल से तो कोजल, अंदर की तरफ होता है उस पोल के तो एंटी कोजल। तो हमारा जो एक्स ऑफ जेड है, अगेन उसको देखो, तो 2 से तो बड़ा वाला तो इस ये तो कोजल ही रहने वाला, ये ग्रेटर देन साइन का मतलब होता है कोजल, जो जेड की तरफ होता है ये, इसका मतलब 2 जो हो जाएगा क्या ऐसा हो जाएगा कोजल के लिए, इस ये छोटा है तो इस ये किसके लिए हो जाएगा, एंटी कोजल के लिए। बस कोजल और एंटी कोजल, कोजल में यू एन आता है और एंटी कोजल में यू -n -1 आता है, तो बस इसके लिए लिख दो। और एंटी कोजल में एक मैं फॉर्मूला बता दूं क्या होता है, -a^n u -n -1 का जो जेड ट्रांसफॉर्म है वो कितना होता है, सेम ही होता है जेड ट्रांसफॉर्म तो, लेकिन भाई आर ओ सी जो होता है क्या होता है, मोडे से छोटा होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ एंटी कोजल वाले के लिए। कोजल वाले के लिए तो फॉर्मूला पता, जो 2 से है तो ग्रेटर देन की तरफ है तो वहाँ पे क्या रहने वाला, नो चेंज, क्योंकि 2 से तो बाहर की तरफ वो बोल रहा है, 3 से वो कह रहा है छोटे की तरफ है, तो छोटे की तरफ है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा एंटी कोजल की तरफ, तो यहाँ पे ये माइनस है तो मैं माइनस लगा देता हूँ बीच में, 5 3 की पावर एन यू -n -1। अब यहाँ पे देख समझ आ गई होगी चीज़, अब ये स्टेबल होगा या नहीं पहले मैं पहले बताता हूँ, आ रहा उसी से देखना, 2 और 3 के बीच में आ रहा क्या यूनिट सर्किल, नहीं आ रहा, फिर से ये क्या ऐसा हो गया अनस्टेबल। तुम इसके टाइम डोमेन में देख लो, एन कस्ट इन्फिनिटी लगाया, 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है तो ये कैसा होगा, ये कैसा होगा पूरा सिस्टम, एक कोजल होगा एक एंटी कोजल होगा, यानी ये ओवरऑल सिग्नल तो नॉन कोजल बन गया, दोनों तरफ है सिग्नल, दोनों तरफ होता तो नॉन कोजल, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, नॉन कोजल, और सिग्नल कैसा हुआ, अनस्टेबल, क्योंकि टाइम डोमेन में पे देखने पे हमें समझ आ रहा, अगर टाइम में नहीं आ रहा तो वहाँ से भी देख सकते हैं कि यूनिट सर्किल वो इंक्लूड नहीं कर रहा। थर्ड पार्ट देखते हैं, जब मोड जेड लेस देन 2 है, अगर 2 से छोटा 3 से छोटा तो ऑलरेडी होगा, तो इसका मतलब दोनों ही एंटी कोजल बन गए इस बार। अगर दोनों एंटी कोजल बन गए तो दोनों में एंटी कोजल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो पहले वाले में लगाएंगे, यहाँ पे -5 नेगेटिव है तो यहाँ पे इसके फॉर्मूले में एंटी कोजल में देखो एक पहले ही माइनस होता तो ये उस वाले फॉर्मूले में क्या कर देगा, नेगेटिव बना देगा। तो मैं एक बार एक्स ऑफ जेड को अगेन लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, -5 / z -2 5 z -3, ठीक। अब एंटी कोजल वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखो, उसमें माइनस होता है बाहर की तरफ, तो हमारा एक्स ऑफ एन कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, 2 माइनस एक साथ प्लस बना देंगे, 2 की पावर एन यू -n -1, और यहाँ पे ये प्लस है तो अगेन माइनस हो जाएगा, 5 3 की पावर एन यू -n -1, ठीक।
यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम डोमेन में चेक कर, ये कर के एन की जगह मुझे क्या लगाना होगा, माइनस इन्फिनिटी। अगर मैं माइनस इन्फिनिटी लगाऊंगा 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 की पावर माइनस इन्फिनिटी ये भी 0 हो जाएगा। तो यानी फाइनाइट वैल्यू आ रही है, टाइम डोमेन में देख के पता लग गया कि क्या है ये स्टेबल है। यहाँ पे लेस देन को देख के हमने पता लगा लिया था, लेस देन को देख के पता लगा लिया था ये कैसा होगा, एंटी कोजल, ठीक एंटी कोजल। अब यहाँ पे देखो उस सर्किल में, अब देखो 2 से छोटा, तो 2 से छोटा इसका मतलब यूनिट सर्किल भैया इसके रीजन के अंदर आएगा, यूनिट सर्किल को इंक्लूड कर गया तो स्टेबल हो गया सिग्नल। देखो वहां पे इसीलिए पूरा सिग्नल वो हुआ था, एंटी कोजल प्लस कैसा आ गया स्टेबल। एक ही केस में आया स्टेबल केवल, क्योंकि यूनिट सर्किल उसी केस में इंक्लूड हो रहा है। तो ये सिग्नल लेस जेड अगर लेस देन की तरफ है तो एंटी कोजल, और जेड ग्रेटर देन है तो कोजल, ठीक है। ये ट्रिक से भी याद रख सकते हैं स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, अगर यूनिट सर्किल आ रहा है उस आर ओ सी में तो स्टेबल है, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछ लेगा ये चीज़ें, पता होनी चाहिए। टाइम डोमेन से भी देखना आना चाहिए और जेड डोमेन से भी देखना आना चाहिए, मैं ये पहले ही बता चुका हूँ। ये 3 पॉसिबल आर ओ सी थे, तीनों के लिए हमने क्या निकाल लिया, आंसर निकाल लिया, ठीक है। वहाँ पे जो आएगा वो एक आध रीजन दे देगा, बोल देगा कि एक्स ऑफ एन फाइंड करो जब आर ओ सी मोड जेड से 2 से बड़ा और 3 से छोटा, या 3 से बड़ा या 2 से छोटा, इस टाइप से दे देगा एक या दो, एग्जाम में इसी टाइप से पूछा जाता। तो क्या करना, सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके, लेकिन सबसे पहले जेड से जरूर डिवाइड कर लेना, जेड कट से डिवाइड करने के बाद उसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेना, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद जितने डिस्टिंक्ट अलग अलग मतलब पोल आएंगे उससे एक ज़्यादा हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा आर ओ सी बनेंगे। यहाँ पे दो पोल थे तो आर ओ सी कितने बने, 3 बने। अगर 3 पोल होते अलग अलग तो क्या बनते हमारे, 3 4 रीजन बन जाते। इस टाइप से हमने फिर हर एक अलग हर एक कंडीशन के लिए स्टेबिलिटी कोजिलिटी हमें देखनी आती है, अगर नहीं देखनी आती है हम उसके साइन को देख के पता लगा सकते हैं। पता लगाने के बाद हम उसका फंक्शन लिख सकते हैं, बहुत आसान होता है इन्वर्स लिखना। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।